नहीं नोट, हाँ वन नोट पर। ये क्या आ गया? चलो बच्चों, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बेटा मेहुल, हरे कृष्णा करिश्मा। अरे नालायको, यहाँ बैठे खाते रहे तो हरे कृष्णा तो बोल दो। चलो हरे कृष्णा बेटा अंकिता, हरे कृष्णा सिंधु, हरे कृष्णा हर्षिता। चलो बच्चों, सर कल अकाउंट्स की क्लास नहीं थी बेटा, निशा थी और शायद अपलोड हो गई होगी, आप देख लेना, या कोई नेट का इशू था तो आप लोगों तक तो शायद कल लाइव नहीं पहुंच पाए। कल की क्लास तो अपलोड है ना बेटा? कल की क्लास अपलोड हो गई, आप देख लेना निशा अकाउंट्स की। अभी तो बेटा देवेंश मुझे नहीं पता मैम ने क्या बोला था, लेकिन क्लास अपलोड हो गई, क्लास हुई थी, नेट के इशू की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पाई। मैंने बता दिया ना अब जो हुआ, मैम ने क्या बोला वो मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास अपलोडेड है और आप देख लीजिएगा। चलो बच्चों हरे कृष्णा, मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? अभी एक बार वाई एंटर कर दो बस, अगर सब कुछ क्लियर है तो। यस ओके बेटा। तो चलो बच्चों, हम लोग मैं कॉल कर दूंगा कोई इशू आता है तो। बेटा बातचीत नहीं इधर अब बिल्कुल। अब देखो यहां पर थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए। शांति व्यवस्था बनाए रखना, और कोई बाहर थोड़ी है अब, और गेट बंद कर दो, अब कोई है तो है वो बाहर, बस बाहर ही रहेगा वो। बेटा कल लास्ट क्लास में हमारा एक डिस्कशन चल रहा था, सारे बच्चे अब कॉन्सेंट्रेट करो, मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट अटका हुआ था। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किया था, एक बार बता देंगे क्या था पेज नंबर? 7.39 पर मैंने एक डिस्कशन, 7.39 बेटा पेज नंबर 7.39 पर एग्जांपल नंबर 13 मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। ये मोबाइल, पहले तो मुझे ये बता दो इधर, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो पीछे चले जाओ, अच्छा पीडीएफ ओपन करो, ठीक है बेटा। देखो फेसबुक, व्हाट्सएप, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे आप, ठीक है ना? कोई भी गलती से पकड़ा गया तो ध्यान रखना, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे सख्त चिड़ है इन चीज़ों से, एलर्जी है। आप लोग पीडीएफ वीडीएफ देख रहे हो वहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों यहां तक इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बनाया था बोलो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मुझे नहीं लगता उसमें बहुत बड़ा कोई इशू था, जिसमें मैंने आपको लिस्ट बी में डेफिशिएंसी के बारे में कुछ बताया था, वो क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वहां मैंने एक नई बात आप लोगों से कही थी कि यहां पर बेटा देवेंश बाद में बात करेंगे, अभी इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, कल की बात अब बाद में देखेंगे, मैं लास्ट में बात कर लूंगा जो भी करनी है, अभी आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो जो बात चल रही है। तो बेटा लिस्ट बी में कल हमने एक नई बात सीखी थी, या लास्ट क्लास में हमने एक नई बात सीखी थी, बताओ क्या? कि वहाँ पर फुली और पार्शली भी हो सकता है, फुली है तो नो इशू और पार्शली है तो अनसिक्योर्ड की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। हम आगे बढ़ गए थे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको मेमोराइज भी कहीं ना कहीं हो गया,
उसके बाद हमने दूसरी बात क्या स्टार्ट की थी, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में मैंने कहा था दो पोर्शन में बना देना, एक पोर्शन में ये होगा एक पोर्शन में वो होगा। उस बात को लेकर जब हम आगे चल रहे थे तो हम एक जगह पर फंस गए थे। मैंने कहा था अगर प्रॉफिट दिखाई दे तो वो नीचे रिपोर्ट होगा और लॉस दिखाई दे तो वो ऊपर रिपोर्ट होगा, जिसने आपको डेफिशिएंसी में धकेला। तो उस बात को लेकर जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया तो हमारे सामने एक आया एक्सेस ऑफ कैपिटल जो इसमें नहीं था, दूसरा आया क्या हमने डिविडेंड और बोनसेस दिए, यस हमने दिए थे। तीसरा हमारे सामने आया क्या हमें जहां से हमने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट किया है 31 दिसंबर 2010 से जब हम रिपोर्ट करना चालू कर रहे हैं और कब तक 31 दिसंबर 2015 डेट ऑफ लिक्विडेशन तक, बताओ कुछ सालों में मिड में क्या हुआ प्रॉफिट और कुछ सालों में मिड में क्या हुआ लॉस हुआ। तो हमने बेटा किसको रिपोर्ट कर दिया, लॉस को रिपोर्ट करना चालू किया इन 2010। एट द एंड ऑफ 2010 प्रॉफिट था, दैट्स वाई वो सेकंड पार्ट में रिपोर्ट होगा। एट द एंड ऑफ 2011 क्या था, प्रॉफिट था जो सेकंड पार्ट में रिपोर्ट होगा, ड्यू टू दिस आपने डिविडेंड बोनस भी दे डाला। इन 2012 2013 एंड 2014 इंडिविजुअल रिजल्ट्स क्या है, वी डोंट नो, और हमें इंडिविजुअल रिजल्ट्स चाहिए भी नहीं है, हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो हमें चाहिए भी नहीं। तो इन 12 13 एंड 14 कंसोलिडेटेडली हमने क्या लिख दिया, ओवरऑल लॉस अमाउंट रुपीज 1,09,000। देन आफ्टर इन 2015 उसने साफ मेंशन कर दिया अकाउंट्स वर नॉट, बोलो आ गया समझ में, जब अकाउंट्स ही नहीं बने तो हाउ वी कैन से कि प्रॉफिट है या लॉस है, बट एज पर प्रूडेंस वी कैन से 101% क्या होगा, लॉस होगा, जो अभी अब जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो हमने बेटा लॉस के बारे में यहां पर चर्चा स्टार्ट की थी। बेटा यहां तक सबको क्लियर है ना, मैं फिर आगे की बात कर रहा हूं। एक बार वाई एंटर कर दो, फर्स्ट फॉर्मेलिटी है, हालांकि आप लोग पहले भी बता चुके लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है जिसको हम कंट्रोल करते हुए चलेंगे। हाँ सर, यहां तक सबका क्लियर है, सबने वाई एंटर कर दिया। नेक्स्ट, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। बेटा एक चीज तो मैंने आप लोगों का कहा था, ये गेट बंद हो जाना चाहिए, आप लोगों ने गेट बंद नहीं किया, अब गेट बंद कर दो। मेरे एंटर होने के बाद यहां पर कोई मतलब नहीं किसी का एंटर होने का, जिसको एंटर होना है मेरे एंटर होने से पहले हो जाओ, मेरे एंटर होने के बाद ये गेट लॉक्ड है, फिर वो मनोज सर की परमिशन से आप एंटर हो पाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। नेक्स्ट, मैंने पहले भी कहा था, मैं आगे चलता हूं, चलो छोड़ो। इन 2015 क्या हुआ बेटा लॉस, अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि क्वेश्चन में एक इशू चल रहा है। बोलो, क्वेश्चन ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, एक लाइन लिखकर बताओ क्या बोल रहा है साहब, हमने तो क्या नहीं बनाए, अकाउंट्स नहीं बनाए, तो उसने तो हाथ झाड़ दिए। अब हमारी हेडेक स्टार्ट हो गई। अब बेटा सारे बच्चे सोच समझ कर बताना, मुझे क्या चाहिए इन 2015 का लॉस, और मैं बोल रहा हूं बार बार लॉजिकली सोचना स्टार्ट करो। बताओ मैं क्या बना लूं, जल्दी से बोलो मैं क्या बनाऊं। वेरी गुड, मुझे यहां पर बच्चों आंसर मिल गए, मुझे आपके भी आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ मैं क्या बनाऊं। वेरी गुड बेटा देवेंश, आपने बिल्कुल सही लिखा। और अरे नालायक और भी तो बैठे हैं, खाली घर बैठे ही हो गया। वेरी गुड इंद्र, पी एंड एल बना लो सर। बोलो बात समझ में आ गई सर, वीडियो ब्लर आ रहा है। बेटा अब वो मैं एमसीसी का इशू है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, ब्लर आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, घटिया आ रहा है, अब यहाँ की इशू है। मेरे घर पर होता हूँ तो मुझे टेंशन होती है मेरा नेट खराब नहीं हो गया, यहाँ कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बेटा, तनीषा वीडियो खराब आ रहा है क्या, अब सही है, नो सर सही है, ठीक है। तो बेटा पी एंड एल बनाएंगे हम लोग, आ रही है बात समझ में। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर, बेटा जो इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल सही बात बोली, कहीं कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन बेटा यूज योर प्रूडेंस, बार बार मैं बोलता हूं, हर चीज मैं बताकर आपसे हां करवा दूं तो मजेदारी नहीं है। क्या मुझे कहीं भी, आपने कहा सर पी एंड एल बना दो, क्या मुझे कहीं भी इनकम और एक्सपेंस की जानकारी दे रखी है पूरे क्वेश्चन में, अरे बोलो कहीं भी बेटा इनकम एक्सपेंस के बारे में, तो भाई सैलरी पेड, रेंट पेड, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, सेल्स परचेजेस। तो बेटा नाउ व्हाट शुड आई डू, मुझे अब क्या करना चाहिए। बेटा आपने कहा सर पी एंड एल निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना है 2015 का, तो क्या कर लीजिए, पी एंड एल बना लीजिए, और मैंने कहा इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, तो बताओ अब मैं क्या करूं। बेटा वेरी गुड, कंपैरिजन बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अरे ऐसे भी तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है।
बच्चों वेरी गुड बेटा लता, बैलेंस शीट अप्रोच पकड़ लो सर। देखो सुनो बेटा, मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि साहब मैं 100 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, ये 100 रुपये मेरी क्या है, ठीक है ना, कैपिटल है, और ईयर एंड में बताओ क्या हो गई, 120 रुपये हो गई, तो बताओ मैंने कितना कमाया, 20 रुपये कमाया। अरे क्या आपने प्रॉफिट पता लगाने के लिए P&L बनाया है क्या? नो। तो इसका मतलब आप लोगों के दिमाग में मैंने एक बात और डाल दी कि अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो दो अप्रोचेस हो सकती है, एक P&L और एक बैलेंस शीट, बिगिनिंग और एंड में कंपैरिजन कर लो, ठीक है ना। तो बेटा अब यहां बिगिनिंग और एंड का कंपैरिजन भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 31 दिसंबर, और सारे बच्चे एग्री करो तो मुझे यस करना बेटा, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, 31 दिसंबर 2015 की क्या मैं बैलेंस शीट बना सकता हूं, बोलो यस और नो, मुझे एक एक चीज का जवाब दो। अरे क्या मैं बैलेंस शीट बना सकता हूं? बिल्कुल बना बेटा, अभी अभी मैंने बताया मुझे 2015 के, यस वेरी गुड बेटा मेहुल लता निशा, मैंने कहा 2015 का मुझे इनकम और एक्सपेंस नहीं दे रखा, लेकिन क्या 31 दिसंबर 2015 का असेट्स दे रखा है? यस, बुक वैल्यू दे रखी है। क्या लाइबिलिटीज दे रखी है क्वेश्चन में? यस बेटा दे रखी हैं। ये रही ना, ये देखो बुक वैल्यूज, असेट्स की बुक वैल्यूज, और ये रही लाइबिलिटीज की बुक वैल्यूज। अरे अगर मैं यहां असेट्स लिख दूं बच्चों, यहां मैं असेट्स लिख दूं, यहां मैं कैपिटल लिख दूं, और यहां लाइबिलिटी लिख दूं, तो बेटा डिफरेंस अपने आप लॉस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? समझ में आ गया? तो मुझे 2015 का क्या पता चल गया? लॉस पता चल गया भाई, मैं तो लॉस प्रिडिक्ट करके चल रहा हूं, अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहां आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये एक बात और डाल दी मैंने। उसने बोला साहब अकाउंट नहीं बनाए, अरे तो मुझे अकाउंट थोड़ी बनाने, मुझे तो क्या चाहिए, प्रॉफिट या फिर लॉस, जो मैं लॉस प्रिडिक्ट करके चल रहा हूं। तो बेटा मैं तो बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटी को ऑर्गेनाइज कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, अपने आप प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, जो मैं लॉस बार बार बोले जा रहा हूं। हां सर क्लियर हो गया, अब और सुनो मेरी बात। लोकेंद्र क्लियर, वेरी गुड बेटा। मैं आपसे एक चीज और बोलना चाह रहा हूं बेटा, अगर मैं बैलेंस शीट ना बनाकर क्या बना दूं, ट्रायल बैलेंस बना दूं, तो कोई आपको आपत्ति है क्या? बोलो जल्दी से, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है, अब वो कौन सा है वो मुझे भी नहीं पता। हाँ मैं यूं समझाने के लिए बोलना पड़ता है, समझो आप। सर आपत्ति, बेटा आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अरे यहां ट्रायल बैलेंस में मैं असेट्स एक तरफ रखूंगा, कैपिटल एक तरफ रखूंगा, लायबिलिटी एक तरफ रखूंगा, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट की तो बात कर रहा हूं, और डिफरेंस बताओ बैलेंसिंग फिगर में यहां भी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। अरे जा रही है बात दिमाग में? बच्चों बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर हो गया? मैं बैलेंस शीट की जगह ट्रायल बैलेंस बना दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों को? नहीं नहीं बात तो बेटा वही है ना, आपको मैं विजुलाइज करा रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा कुछ भी। यस सर क्लियर। सर बैलेंस शीट बनाने में क्या दिक्कत है? हम ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं? बेटा बैलेंस शीट बना लो या ट्रायल बैलेंस बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारा प्रेजेंटेशन किससे मैच होता रहना चाहिए? आईसीआईसी से मैच होता रहना चाहिए। उसने जब भी ये क्वेश्चन पूछा है तो उसने लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में, लिक्विडेशन के क्वेश्चन में क्या बनाया है बेटा? अरे जा रही बात दिमाग में? तो मैं क्यों छेड़छाड़ करूं, मैं क्यों किसी को चैलेंज करूं? आईसीआई बोल रहा मेरा प्रेजेंटेशन फॉलो करो वरना मैं नंबर काट दूंगा, और हम बोल रहे नहीं सब हम बैलेंस शीट बना के, बेटा 3 नंबर थे इसके, ठीक है ना, इस कैलकुलेशन के 3 नंबर थे, और बेटा मैंने बैलेंस शीट से सेम कैलकुलेशन कर डाली, बताओ आईसीआई वालों ने नंबर नहीं दिए तो क्या मैं चैलेंज कर सकता हूं क्या उन्हें? वो तो बोल रहे हैं हमने तुम्हें सजेस्टेड आंसर दे रखे हैं बुक में, तुम क्यों बना रहे हो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनाओ ना। तो बेटा हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं 2015 का लॉस कैलकुलेट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूं। मैं ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहा हूं उसका मैंने पूरा बैकग्राउंड तैयार कर दिया। बोलो बच्चों चले आगे? मैंने बैकग्राउंड तैयार किया, मैं क्यों बना रहा हूं। अब कोई ये नहीं पूछेगा साहब ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, कोई नहीं पूछेगा, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। बेटा सफिशिएंट मार्जिन छोड़ दो, एक पेज उसका आपको पता है 10 आइटम आएंगे,
तो डेफिशिएंसी में सफिशिएंट मार्जिन छोड़ दो और बच्चों मेरे साथ बनाओ वर्किंग नोट नंबर वन। अब वो बेटा आप लोग अपने हिसाब से मार्जिन ड्रॉप करके काम करेंगे। वर्किंग नोट नंबर वन, किसी को यहां आपत्ति तो पूछ बेटा, कोई इश्यू हो तो पूछ लेना, ठीक है ना, आगे मत चलने देना, बार बार बोल दिया मैंने। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एट द एंड ऑफ 2015, वर्किंग नोट नंबर टू। बेटा मेहुल एक ही तो है, फर्स्ट ही तो है, फर्स्ट कौन सा बना दिया बेटा मेहुल? वो प्रेफरेंशियल वाला बाद में लगा देंगे, अभी हमने लगाया कहाँ है वो, मैंने कहा था लास्ट में लगा देंगे, तो ये वर्किंग नोट नंबर वन है बेटा, वो सेकंड में थर्ड में लास्ट में लगा देना, वो तो सिंपल सा था, ठीक है मेहुल? कोई ज़रूरी थोड़ी है वो वन ही लगे, ठीक है ना, हमने तो लगाया ही नहीं अभी, हमने रफ में कैलकुलेट कर लिया। बेटा जल्दी से बनाओ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2000। हाँ हाँ ठीक, ये आ गया बच्चों डेबिट और ये आ गया बेटा क्रेडिट पर्टिकुलर्स। और बेटा थोड़ा हाथ तेजी से चला रहा, तेजी से लिखना है। मैं बुक वैल्यूज लेने वाला हूं, सबसे पहले जल्दी से बोलो क्या है, जंप लगाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, बाकी आपकी कोई भी मर्जी है, जो भी लिखना है लिख दो, कोई फॉर्मेट तो है नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल जल्दी से बोलो बच्चों अमाउंट। बेटा यार एक बुक है क्या किसी के पास एक्स्ट्रा? ऐसे तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। 2,40,000 मोबाइल रहने दे, नहीं आंसर है क्या इसमें? चल हाँ कंपाइलर दे दे यार, इसमें फिगर तो है ही ना। 2,40,000 2,40,000 बेटा नेक्स्ट आइटम है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब कोई बच्चा बोले सर हमने असेट्स पहले लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, ट्रायल बैलेंस का कोई फॉर्मेट नहीं है। ये बच्चों कितना आएगा डैश 90। हाँ किसी भी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 1,00,000 आएगा ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है, ध्यान रखना ये 2015 का बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है, जहां पर बताओ क्या नहीं हुआ था, लिक्विडेशन की कोई बात नहीं थी, तो लिक्विडेशन की बात नहीं थी वो तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 1,00,000 किया था। नेक्स्ट 5% डिबेंचर्स अमाउंट रुपीज 1,00,000 और बेटा यही मैं लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो भी लिख दो, क्योंकि इंटरेस्ट कहां तक का गिवन है, जून तक का गिवन है, तो 6 मंथ का यही ऐड कर दो, बोलो कितना हो जाएगा 1,00,000 इंटू 5% इंटू 6/12 ये 2,500, ये मैंने अपडेट कर दिया भाई, उसने अकाउंट बनाए होते तो वो भी अपडेटेड बनाता। यहां पर अगला आइटम मोर्गेज, ये आपका मोर्गेज लोन अमाउंट रुपीज, बेटा ये अमाउंट बोलना इसमें गलत है शायद, 80,000 80,000। नेक्स्ट ओइंग फॉर वेजेस यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस, सॉरी क्रेडिटर भी है अभी तो ये आ गया ट्रेड क्रेडिटर्स, ₹2,65,500। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओइंग फॉर वेजेस का मतलब है आउटस्टैंडिंग, अब उसे कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट सेक्रेटरी सैलरी ओइंग यानी आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी सैलरी, आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी सैलरी ये बेटा कितना आ गया 3,000। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर सैलरी अमाउंट रुपीज 6,000। नेक्स्ट बेटा और भी कुछ है क्या जल्दी बोलो,
लायबिलिटी के नाम पर, बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको कहा था वो दूर दे रखा है, ठीक है ना, नीचे कहीं दे रखा है, याद आया बच्चों? बैंक ओडी बेटा, बैंक ओडी 1,90,000, 1,90,000। सर देवेंश वेरी गुड बेटा, बैंक ओडी भूलना नहीं है, अगर भूल जाओगे तो आप मिस कर जाओगे चीजों को, गलत हो जाएगा। चलो अब आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000 रुपए, जल्दी बोलो, वेरी गुड, 1,20,000। ध्यान रखना मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा हूं तो किस वैल्यू पर आएगा, बुक वैल्यू भाई, एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में काम आती है, ठीक है। अगला आइटम प्लांट 2,00,000, अगला आइटम प्लांट, ब्लर है सर बेटा, क्या करे यार बेटा, अभी सही हो जाएगा, रुको, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया, आप लिख बेटा, थोड़ा वेट कर लिया करो, शायद कोई नेट का इशू अभी सॉल्व हुआ नहीं होगा ढंग से, तो थोड़ा वेट कर लिया करो। नमन आई होप अब सब कुछ क्लियर है। प्लांट 2,00,000, नमन क्लियर है ना बेटा, टूल कितना है 20,000, पेटेंट्स अमाउंट रुपीज 50,000, बोलते जाओ ना, अगला आइटम फटाफट, स्टॉक 87,000, इन्वेस्टमेंट्स 180, बुक डेब्ट यानी डेटर्स, बुक डेब्ट्स ये आ गए बेटा 90,000, और बोलो, और तो कुछ है नहीं बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है, मैं बुक से देखकर लिखा है बेटा, और कुछ भी नहीं लिखा ये, और आप अपने मोबाइल में देख सकते हो बेटा। अब क्या निकालना है बताओ, डिफरेंस मुझे बताओ, डिफरेंस क्या आएगा, एक्सेस ऑफ कैपिटल और लायबिलिटी ओवर असेट्स, या फिर एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी असेट से ज्यादा होगी अरे तभी तो नुकसान बनेगा। तो बेटा आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, डिफरेंस निकाल के मुझे जल्दी से बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। ये आ भी गया देवेंश, बिल्कुल सही है बेटा, मुझे डिफरेंस निकाल के बताओ, टोटल बताओ, 1,00,000, नहीं बेटा गलत है, किसको इसे, आपने भी तो लिखा है, नहीं बेटा 2,55, 2,55,000 आएगा, वेरी गुड सर। विकास ये कहां से आ गया 131, नालायक किताब से देखकर चिपका रहा है यहां पर, 2,55,000, वेरी गुड बेटा मेहुल, लता, मन्नत, देवेंश, विकास ये कहां से आया मुझे समझाना एक बार, नालायक वो बुक से देखा और लिख के भेज दिया यहां पर। पवन वेरी गुड बेटा, डिफरेंस आ रहा है 2,00,000, आप लोग बाद में टैली करते रहना, सही है 2,55,000, 2,55,000 ये बेटा आ गया पी एंड एल, 2,55,000, सॉरी 2,55,000, 2,55,000, ये बुक में देखने की आदत जाती नहीं है ना बेटा, इसका टोटल जो भी आ रहा हो आप लोग लगा लेना, आप टोटल में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब सारे बच्चे 2 मिनट शांति से देखो और मेरी बात समझो बेटा, आप टोटल करते रहना, बाद में घर पर टैली कर लेना, 2,55,000 करेक्ट आंसर आ रहा है। अब ये टैली वैली बाद में घर पर करते रहना, कुछ तो घर पे भी करोगे आप लोग। मुझे ये बताओ ये 2,55,000, और बेटा इंस्टेंट आंसर आना चाहिए ऑनलाइन वाले, 2,55,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है, 2015 का लॉस है या फिर क्यूमुलेटिव लॉस है अब तक का, बेटा जल्दी से बताओ क्यूमुलेटिव है या करंट ईयर का है। पवन
हर्षिता सिंधु 101% गलत बेटा, पवन आप भी गलत, सुहानी क्यूमुलेटिव, अरे आप भी तो बोलो बेटा, क्यूमुलेटिव है, टोटल लॉस है नालायको। अब ये सोचो ना, क्या इतनी बारीकी से कभी आप लोग सोचते भी हो चीजों को? मैं आपको पता नहीं क्या क्या सोचना सिखा रहा हूं, और आप लोग पूछने के बावजूद भी, पहले तो ये सवाल आपके दिमाग में होने ही चाहिए, होते नहीं, पूछो तो भी आप गलत आंसर, क्योंकि आप सोचना नहीं चाहते फिर उससे आगे। बेटा आप लोगों को नहीं लगता ऊपर क्या लिखा आपने? आप वर्डों के इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं। अरे आ रहा है समझ में? बेटा जो आप बैलेंस शीट में डेटा यूज करते हो वो कभी भी करंट ईयर का नहीं होता, वो एज ऑन यानी पर्टिकुलर डेट तक का होता है। यानी आप कह ही नहीं सकते कि 2015 का है, ये अब तक का है। अब कब से है वी डोंट नो, लेकिन ये कब तक का है? अब तक का है। पहले तो एक चीज क्लियर करो, ये करंट ईयर का नहीं है। बोलो बात समझ में आ गया? और ये कब से चल रही है हमारी इंफॉर्मेशन? 2010 से चल रही है। तो भैया 31 दिसंबर 2010 से लेकर अब तक आज की पोजीशन ये है कि लॉस इतना है। अब इसमें करंट ईयर का कितना है वो अभी भी हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ। बेटा क्लियर हुआ क्या? हाँ बेटा एग्जाम्पल 12 में बताया था, लेकिन यहाँ नालायकों की भीड़ ज्यादा ही है कुछ, ठीक है ना? ये ऐसे दिखाते हैं आंख फाड़ फाड़ के कि हम सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और इनके समझ में कुछ नहीं आता। अच्छा इनको ये भी पता नहीं चलता मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, हंस और रहे हैं सारे के सारे। वेर मेहुल आगे, नालायक तू मिल मेरे को, मैं तेरे को जब बताऊंगा, ये जब ये आया ना तो मुझे जरूर बताना ये जिस दिन है। आगे भाग जाता है नालायक। सबको क्लियर हो गया? ये करंट ईयर का नहीं है, 2,55,000 टोटल है। सर हम तो जहां से चले अभी भी वहीं खड़े हैं, हमें क्या चाहिए? 2015 का चाहिए जो अभी भी नहीं मिला, इतनी माथापोड़ी करने के बाद भी नहीं मिला। यस सर। अब क्या करें बच्चों? मैंने आप लोगों को एक बात समझा दी, क्या समझाई? कि ये लॉस अब तक का है, अप टू डेट, आज तक का है। बेटा पीछे आप दोनों को क्लियर हो गई बात, ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा आज तक का है तो आप बोल रहे हो सर ऐसे कैसे उठा के रख दो। बेटा ऊपर देखो आप लोगों ने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा 2012 से लेकर 14 तक? बेटा नहीं ना, कंटिन्यूस लॉस नहीं है ना, आप समझे नहीं? 2010 से 2015 तक लगातार लॉस होते तो मैं लिख देता 2,55,000, लेकिन बीच में फायदा फिर नुकसान 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 नुकसान, समझ रहे हो? तो प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, तभी तो समस्या आ रही है, वरना तो मैं चुपका देता एक बार में। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा प्रॉफिट भी है, यहां इशू ये आ रहा है। चलो सर अब आगे समझते हैं कैसे सर, क्योंकि बैलेंस शीट, हाँ बेटा देवेंश बिल्कुल सही बात है, वो बैलेंस शीट का फिगर है तो वो अप टू डेट आज तक का है सर, लेकिन हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई, हमें 2015 का चाहिए जो कैसे निकालेंगे? अब देखो आप 2015 का, बेटा वर्किंग नोट नंबर 2, अभी लिखना मत, पहले देख लो और समझ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अभी कमी है। कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन 2015 ओनली। बेटा मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन है मैं उस हिसाब से चलूंगा, और आपको मेरी बात समझ में आए तो अप्रिशिएट करना। बेटा स्टॉप राइटिंग कोई लिखेगा नहीं, वरना फिर बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपको रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ, एक आधा अधूरा सा, क्योंकि इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर प्रॉफिट होगा तो बताओ क्या होगा इस अकाउंट में? भाई क्रेडिट होगा, प्रॉफिट की हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, अगर लॉस होगा तो डेबिट होगा, ठीक है? वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो आप लोग, मैं आपको कहां से लेकर आ रहा हूं? 31 दिसंबर 2010 से लेकर आ रहा हूं। मुझे बताओ 31 दिसंबर 2010 को क्या था बाय बीडी, कितने रुपए का प्रॉफिट था? बेटा आप लोग जल्दी से बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट था? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो, 31 दिसंबर 2015 को कितने का प्रॉफिट था? सॉरी 10 का, 10 को एक भी नहीं बोल रहा, 15
1000 का, लता वेरी गुड, इंद्र अभी भी 40,000 का बोल रहा है इतना समझाने के बाद भी। बेटा 40,000 का प्रॉफिट था अ कंबाइंड विथ 25 लॉस, और मैं लास्ट क्लास में रिपोर्ट कर चुका बेटा इंद्र, अगर आपको क्लियर हो गया तो यस करना। बेटा मैंने कहा था मैं नेट की रिपोर्टिंग करूंगा, दोनों थोड़ी रिपोर्ट करूंगा, बोलो आगे बात समझ में, ठीक है नेक्स्ट, यस सर क्लियर, ओके बेटा। इसके बाद बताओ क्या हुआ, ये 2010 था, इसके बाद क्या हुआ 2011 है, प्रॉपर नहीं बन पाएगा ये क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है आपके पास, तो जैसा है उससे हम इंफॉर्मेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो बताओ इन 2011 क्या हुआ, 40,000 का फायदा, तो बताओ रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा या घटा, बड़ा, तो बेटा यहां पर मैंने क्या लिख दिया, बाय 31 दिसंबर 2011 बाय P&L प्रॉफिट हुआ, P&L में प्रॉफिट हुआ 40 का, तो बताओ मेरा प्रॉफिट टोटल अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, 55,000। इस साल मैंने क्या किया, 31 दिसंबर 2011 हमने बेटा हमने डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस को कितना दिया, 5700 प्लस 24,000, तो ये मैंने टोटल डिविडेंड दे दिया 29,700। बच्चों ये मैंने डिविडेंड दे दिया, बोलो आ गया, तो मेरा ये 55,000 रुपए का प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। चलो फिर आगे चले, ये 31 दिसंबर 2011 तक की सिचुएशन क्लियर, ठीक है ना बेटा, ये इतना यहां तक सबका क्लियर। आगे चलता हूं मैं, इन 2012 क्या हुआ, मुझे नहीं पता, इन 2013 क्या हुआ, मुझे नहीं पता, इन 2014 क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, कलेक्टिवली इन तीनों सालों में लगातार नुकसान हुआ कितने का। बेटा अगर मुझे इंडिविजुअली भी पता होता तो मैं 31 दिसंबर 2014 टू P&L और ब्रैकेट में लॉस 1,09,000। बेटा अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट कर देता, तो बताओ रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो क्रेडिट की जगह बताओ अब क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि नुकसान बढ़ गए आपके, समझ में आया। इसी ड्यूरेशन में एक कौन सा लॉस हुआ, नॉन ट्रेड लॉस हुआ, कौन सा, इसी ड्यूरेशन में टू लॉस ऑफ स्टॉक, बेटा आग से स्टॉक जल गया, कितने का, 40,000 का, बोलो समझ में आ गया, ये भी तो नुकसान है, तो बताओ हमारा रिजर्व एंड सरप्लस और नेगेटिव हो गया, बात समझ में आ रही है इधर, अरे इधर जल्दी बोलो, चलू मैं आगे, क्लियर है ना, ये आपका और नुकसान हो गया जो बढ़ गया, चलू। अब 31 दिसंबर 2014 तक आ गया बच्चों, मैं बैलेंस नहीं निकाल रहा, क्यों, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं है ईयर वाइज, और दूसरा मुझे चाहिए भी नहीं, बताओ मुझे किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, 2015 पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब मुझे बताओ अभी अभी मैंने डेटा बनाया, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे अभी कमेंट ना करें, पहले मेरी बात सुने और फिर मैं जब पूछूंगा जब कमेंट करना। मुझे ये बताओ बेटा आप लोग सब इस रिजर्व एंड सरप्लस का एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2015 डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था, भाई डेबिट बैलेंस था ना, डेबिट साइड हायर थी, 31 दिसंबर 2015 को बाय बैलेंस सीडी, बताओ इसका सीडी कितना नहीं था, बाय बैलेंस ये आपका आ गया बाय बैलेंस सीडी 2,55,000। मुझे बताओ बच्चों अब ये 2,55,000 यहां पर 31 दिसंबर 2015 अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, सुनो पहले रुको एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं किसी और को डाउट ना आ जाए। मुझे ये बताओ अब तक के हिसाब से कंपनी को नुकसान कितना चल रहा है, इसका डिफरेंस निकाल के बताओ, 55 का प्रॉफिट हुआ, 55 का प्रॉफिट और ये नुकसान माइनस करो, डेबिट साइड माइनस करो, कितने का लॉस हुआ, डिफरेंस निकालो इसका, 123 बेटा बाय बैलेंस सीडी। अब आप सारे बच्चे समझना मेरी बात, अगर मैं आज ही बैलेंस निकालूं तो बेटा कौन सी डेट है, 31 दिसंबर 2014 बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 123 700।
बोलो समझ में आ रहा है? यानी 31 दिसंबर 2014 को कितने का लॉस चल रहा था कंपनी में? 123। लेकिन मुझे यहां थोड़ी क्लोज करना है, मैं आपको लेकर गया, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैं आपको लेकर गया एक साल बाद 31 दिसंबर 2015 बाय बैलेंस सीडी 255,000 का लॉस है। तो बेटा इसका मतलब एक साल और गुजर गया, तो यहां पर 31 दिसंबर 2015 इस पर्टिकुलर ईयर में बताओ प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो डेबिट बैलेंस पी एंड एल में फिर लॉस आया, बताना कितने का? 1,31,300। अरे कुछ गई क्या दिमाग में बात? यह है बेटा करंट ईयर का लॉस। बच्चों क्या पूरा क्लियर हुआ? जल्दी से एंटर करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन मैंने इतना लंबा समय लिया तो मुझे लगता नहीं अब किसी को कोई डाउट होगा। चलो यहां किसी को कोई डाउट नहीं है और आई होप सर क्लियर, यहां पर भी किसी को डाउट नहीं होगा। चलो मैं आगे, बेटा नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये नोट करो, वर्किंग नोट नंबर 2। सर हम प्रॉपरली, बेटा ये प्रॉपर ही बनाया है, जिस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हमने विजुलाइज किया चीजों को, स्टेप बाय स्टेप समझा और उसे ब्रेक कर दिया। हो गया नोट बेटा? जल्दी से बच्चों डन का मैसेज डालो फटाफट, डन डन। चलो मैं आगे, बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, राइटिंग वाइटिंग के चक्करों में मत लगा रखा हो गया, या मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। हो गया है सबका? चलो जल्दी से बेटा, अब जिसने वेट लिखा था मैं चलूं आगे, डन। अब बता दो किसको वेट करवाना है तो? नो, कोई नहीं है बेटा, अब आ जाओ आगे, अब हम चलते हैं फटाफट। बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जहाँ दिक्कत थी वो हमने सॉल्व कर डाली। अब चलो अपने वहाँ पर 2015 कितना था? 130। जल्दी से टोटल बताओ। 240, 300 बेटा 4। अब तेजी से लिखते जाओ, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास समझाने के लिए, जल्दी से बोलो। नॉन ट्रेड लॉसेस बेटा, आप तेजी से स्पीड पकड़ो और मेरे साथ ही लिखते रहो। नॉन ट्रेड लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड कितना? 40,000 लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक।
फिफ्थ, जल्दी से बोलो, मैं भूल गया, एस्टिमेटेड लॉसेस, एस्टिमेटेड लॉसेस। नाउ रिटर्न ऑफ, मैं एक एक चीज को कंपेयर करूंगा और आपको पता है कंपैरिजन कहां से होगा। हाँ, पहला आइटम बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यहां रिपोर्ट होगा क्या? नहीं, क्या हो गया उसमें? प्रॉफिट हो रहा है, देखो 10,000 रुपीज से वो एप्रिशिएट हो गया, तो वो सेकंड पोर्शन में रिपोर्ट होगा। नेक्स्ट प्लांट, 70,000 से रिपोर्ट होगा, 70,000 प्लांट, 70,000। ये हो गया बेटा, ये 16,000, क्या आ गया? टूल्स 16,000, पेटेंट्स नालायक, ये आ गया पेटेंट्स, कितना है? 20,000। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक है 13,000, 13,000। नेक्स्ट है फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट 10,000। और मुझे लगता है सारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी ये कहां से आ रहा है, ठीक है ना? अब बेटा स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स है 30,000। मैंने आपको कहा था सफिशिएंट मार्जिन छोड़ देना। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी क्या? नहीं, लायबिलिटी तो कोई बढ़ी नहीं, तो ये टोटल कितना आ गया? 1,59,000। सिक्स्थ, 1,59,000। सिक्स अदर आइटम्स, बताओ यहां पर निल बेटा, टोटल ऑफ ए अमाउंट रुपीज 4,69,000, 4 लाख, क्योंकि अब कुछ समझाने लायक नहीं है तो मैं आप लोगों को रोक भी नहीं रहा, बस फ्लो में चलते जाओ, लिखते जाओ और आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। अब बेटा इसके बी पोर्शन में क्या जाएंगे हम? आइटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। जल्दी से बोलो पहला आइटम, सेवंथ नंबर, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31st December 2010। बेटा जल्दी से बताओ अमाउंट कितना आएगा? कितना? 15,000, वेरी गुड, 15,000, 15,000, 8 पॉइंट, जल्दी से बोलो, मैं तो भूल गया, जल्दी बताओ ना बेटा। ना ना, जल्दी से बोलो, वेरी गुड, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। बेटा ये तो बैलेंस गिवन था ना, क्या था ये? ये कोई पीएनएल का थोड़ी बता रखा था, ये तो बैलेंस शीट का गिवन था। क्या बोल रहा था? एक्सेस ऑफ, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्सेस ऑफ असेट्स, ठीक है ना, ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट का रिजर्व एंड सरप्लस बता रखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस में इतना था और इतना लॉस था, तो बेटा बैलेंस शीट का है। अब हम 2011 का बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे, पी एंड एल की बात कर रहे हैं। तो नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, और आप चाहो तो स्पेसिफिकली लिख लो इन 2011 40,000 का प्रॉफिट। बेटा तो 40,000 यहां रिपोर्ट हो जाएगा जिसने डेफिशिएंसी को घटाया और आपको मदद की। समझ में आया? नाइन्थ प्रॉफिट एंड इनकम्स अदर देन ट्रेड ड्यूरिंग द ईयर,
ऐसा कुछ बताया नहीं है। यहां पर टेंथ अदर आइटम्स, इसमें बताओ क्या बता दो, प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 10,000। ये 10,000 और ये आ गया बच्चों टोटल ऑफ बी। टोटल ऑफ बी कितना आ गया बेटा बताना एक बार? ये आ गया 65,000। तो बेटा ये आ जाएगा डेफिशिएंसी ए माइनस बी। बच्चों बोलना, देखना टैली हो रही है या नहीं हो रही, अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से देखो टैली हो रही है या नहीं हो रही। ए माइनस बी, यहाँ थोड़ा मैंने स्पीड पकड़ के रखी और मुझे नहीं लगता है कुछ आपको समझाना था, मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, तो ये एक सिंपल फॉर्मेट था। लिख लिया सबने यहाँ पर बेटा? आप लोग बताओ लिख लिया? डन, यस सर। चलो देखो, उसमें कुछ नहीं आता, वो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि भाई अगर कुछ उनके अलावा कुछ दिख जाए कभी, हाँ तो इसमें डाल देना। वैसे अभी तक मैंने तो कोई रिपोर्ट होता दिखा नहीं। बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कौन हो गया ये। चलो बच्चों अब ईमानदारी से बताना, ये इतना बड़ा, देखो किसी को डाउट हो तो बोल देना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्या 100% पहली बार में समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो जल्दी से, जो रेगुलर क्लास में बैठा है जल्दी से बोलो, क्लियर है ना सबका? और इसके साथ साथ मेहुल तो फिर अब क्या करना है बेटा, समझ नहीं तो था, अब इससे आगे क्या करेगा? ठीक है, तो बेटा अब ये देख लो, इसके साथ साथ मेरी क्या बात खत्म हो गई बोलो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी की, क्लियर है? अब बेटा ऐसे वैसे जैसे मन में आए करते रहे ना, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। अब इसमें वो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वर्डर का वो छोटा सा वर्किंग नोट बनाते रहना मेरी तरफ से, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। बेटा ये बताओ, अब मैंने इस चैप्टर को तीन पोर्शन में डिवाइड किया था, एक बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और तीसरा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। अब मैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूं, उससे पहले सारे बच्चे बोलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डेफिशिएंसी, ये फॉर्मेट सहित क्लियर हो गया बेटा? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तो आगे की बात समझ में आएगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रैक्टिस का काम वो आप लोगों का काम है बच्चों, वो तो मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं आपको एक चीज जब मैं पूछता हूं ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई वेरी फर्स्ट टाइम आप लोग इतने बड़े बड़े चीज कर रहे हो, लेकिन बताओ क्या है, इतना कॉन्फिडेंस है कि सेकंड टाइम हम लोग बताओ अपने पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा डाउट नहीं आएगा, लेकिन बेटा वो डाउट अब क्या होगा, मैनेजेबल होगा, वो आप खुद अपने पर्सनल लेवल पर मैनेज कर पाओगे, ऐसा नहीं है आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी तो हम बैठे हैं यहाँ पर। ये तो बेटा आपका सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर में कुछ डिफिकल्टी लग रही है क्या बेटा? नहीं, देखो ये चीज गलत है, आप मैंने क्या कहा, आप खुद को ही बोलोगे सब चीजें प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी, ये वो तो सबको पता है ना प्रैक्टिस करनी है बेटा, लेकिन पॉजिटिव तो रहो ठीक है। अगर आप खुद ही बोलोगे नहीं अभी देख कर बताएंगे फलान, फिर कर क्या रहे हो 4-5 दिन से, ठीक है? नो, अब
मैं तीसरे और फाइनल स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार पता है स्टेप नंबर टू पे मैंने इतना स्ट्रेस क्यों दिया, क्योंकि जिसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डेफिशिएंसी क्लियर है उसका क्या क्लियर है, जो थर्ड वाला पार्ट है उसका ऑटोमेटिक क्लियर है, उसमें थोड़ी बहुत बातें, मुझे केवल 8-10% बात ऐड करनी है, बाकी 90% क्लियरिटी है अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका मैंने पूरा क्लियर करवा दिया, जो आपको नहीं पता अभी मैं दिखा दूंगा वो आपका 100% क्लियर है, ठीक है। अब मैं पार्ट थर्ड की तरफ चल रहा हूँ, अब सारे बच्चे कॉपी पेन रख दो और सामने देखो, बेटा ये देखो इसका सॉल्यूशन देखो आप कितना बड़ा है, ये आपका स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बच्चों, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था और आप देखते चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन चल रहा है इसका, लेकिन पहली बार में आपको क्लियर है कि हाँ भाई हम लोग कर सकते हैं, और यही मुझे कॉन्फिडेंस दिलाना है, बाकी जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना आगे निकल जाएगा। आपको पता है एक ही टीचर इतने बच्चों को पढ़ाता है लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं, क्योंकि फिर बच्चे की पर्सनल कैपेबिलिटी और उसके डेडिकेशन उसके हार्डवर्क पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बेटा टीचर तो एक हाँ एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट, मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ और जो मैंने कहा सेकंड पार्ट से रिलेटेड है, मैंने कहा आपका 90% क्लियर है, 10% कुछ बातें मुझे बतानी है। बताओ जो मेरा सेकंड पोर्शन था लिक्विडेटर को क्या पता चल चुका अब तक, भैया क्या क्या असेट बेचनी है। बेटा आप ध्यान से सुनते रहना और बातों को अप्रिशिएट करते रहना, कॉपी पेन रख दो। मुझे ये बताओ अब तक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके हाथ में आ गया, लिक्विडेटर के हाथ में आ गया, उसे ये पता चल गया कि भाई ये चीज़ें मेरे पास असेट है, ये मेरे पास लायबिलिटी है जो मुझे सेटल करनी है। मुझे एक चीज़ का आंसर यस और नो में देना, क्या लिक्विडेटर के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट कोई काम का है, जल्दी से यस और नो, वाई और एन एंटर करो। क्या मैं हटा देता हूँ फिर वो सारे बच्चे कॉपी करने लग जाते हैं, क्या लिक्विडेटर के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट किसी काम का है, बोलो बेटा लॉजिकली सोचकर। अरे सारे बोलो, एक दो थोड़ी, खाना तो सभी खा रहे थे जब मैं आया था। वेरी गुड बेटा पवन, सिंधु, इंद्र, ये बाकी तो पता नहीं क्या सोच के मेरे को समझ में नहीं आता, इतना कुछ सुनते हैं तो भी आंसर यस सर यस सर, आप लोग भी नालायक यहाँ तो है ही। सिंधु, इंद्र और पवन, इन तीन ने सही आंसर दिया, बाकी आंसर तो यहाँ कम ही दे रहे हैं। कितने पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर, अब देखो मैंने कहा ना देख कर ये एक के पीछे एक चल देंगे, अब 46 में से ये 5-7 जवाब दे रहे हैं बस। देवेंद्र क्यों, अरे नालायक बता रहा हूँ रुक जा, क्यों नो, मैं सारे आंसर दे चुका लेकिन तुम्हें स्पेसिफिकली बताओ, पता नहीं क्या सुनना नहीं चाहते, मैं बार बार बोलता हूँ कॉपी पेन रखकर सुनो ध्यान से। इन 3-4 बच्चों ने भी तो दिमाग लगाया, 8-10 ने आंसर दिया जिसमें से 50% ने सही दिया। अचार डालूं मैं डेफिशिएंसी अकाउंट का, मैं लिक्विडेटर हूं, मैं किसके बिहाफ पर काम करूंगा, अरे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या मांगा था। लॉजिकली बातों को रिलेट करते हो या नहीं करते, मैंने क्या मांगा था उनसे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के भाई तुम मुझे क्या दो, असेट्स और लायबिलिटी की जानकारी, तो मुझे तो वही काम करना है। फिर मैंने क्या कहा कि डेफिशिएंसी अकाउंट है क्या, अरे वेरिफिकेशन है उस डेफिशिएंसी का जो आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, मैंने बार बार कहा था कि आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, अरे याद तो करो बेटा, याद तो करा करो, रखा करो, मैंने बार बार कहा कि डेफिशिएंसी अकाउंट अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो जस्टिफिकेशन है किसका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, कि भाई हाँ जेन्युइनली हमने क्या कहा, हमने कहा सब इतने का नुकसान हो गया, ठीक है, मैंने कहा सब नुकसान कैसे हो गया, तो वो बताने लगे सब 3 साल पहले हमने बिजनेस में नुकसान हो गया था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और इतने का नुकसान हो गया। हमने कहा बढ़िया बात है जाओ तुम। तो बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट अपने आप में कुछ है ही नहीं, सरप्लस अकाउंट अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो क्या है, केवल जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बताओ उसके बिहाफ पर, डेफिशिएंसी अकाउंट के बिहाफ पर कौन फ्री हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो बोल रहे साहब हमने कोई फ्रॉड वॉड तो किया नहीं, तो हम तो रेस्पॉन्सिबल नहीं, ईमानदारी से काम किया, अब उसके बाद नुकसान हो गया तो हो गया, हम क्या करें बेटा, वो चले गए। अब उस डेफिशिएंसी अकाउंट को दिमाग से निकालो बस। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वो किसकी जानकारी दे गए,
असेट्स और लाइबिलिटीज की जानकारी देगा कि ये असेट्स हैं और इनसे ये आने के चांसेस हैं। भैया मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की असेट को नहीं समझता, मुझे लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। मैंने कहा ना हॉस्पिटल, जैसे एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल में ऐसे इक्विपमेंट होते जो हम ना जानते ना सुनते ना उनका प्राइस समझते, वो बता गए साहब ये प्राइस इतने इतने पर बिकने के चांसेस है। बेटा अब क्योंकि कोर्ट ने मुझे अपॉइंट किया है, मैं मार्केट में अब बेचने जाऊंगा तो बताओ मुझे इसका प्राइस पता है? अरे इसका आइडिया तो है ना कि ये 2 लाख का बिकेगा, 3 लाख का बिकेगा, तो मैं उस हिसाब से मार्केट में बात करूंगा। तो अब मैं केवल और केवल किसके बिहाफ पर काम करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। अरे अब तो समझ में आ गया। अरे बाकी जो वो नालायक जो और भी तो थे नहीं? सिंधु बेटा आपका और 4-5 का तो बिल्कुल सही था आंसर। बेटा आप चेन से चेन जोड़ना सीखो, देखो मजेदारी उसी में आती है। मेहुल क्लियर हो गया बेटा? अंश नहीं है क्या आज क्लास में? क्लियर, ओके बेटा। बेटा चेन से चेन जोड़ना सीखो, इतना मैं बोलता हूँ उसका रीजन क्या है, आप लोग चीजों को कोरिलेट करो बेटा, मजा तभी आएगा। वरना चीजें समझ रहे हो आप लोग, फिर मुझे लगेगा कि आप लोग भाई अपने धर्रे पर चल रहे हो, पुराने वाले पर इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे, तो फिर मैं भी अपने सवाल ही सॉल्व करवा दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि सवाल हो रहे हैं बस। फिर इतने जो लॉजिक जा रहे हैं ना दिमाग में, वो बेटा नहीं आ पाएंगे। बेटा कोई बात नहीं अंश, ओके अब मेरी बात सुनो आगे। इसके बाद बताओ किसकी वर्किंग स्टार्ट हुई? अब लिक्विडेटर एक्शन में आएगा। अब मैं थर्ड पार्ट में, जब लिक्विडेटर की लिखना नहीं है बेटा, फिर ध्यान से सुनो बेटा। अब एक्शन में आया लिक्विडेटर, लिक्विडेटर क्या करेगा मुझे बताओ अब। वेरी गुड, सारी असेट रिलाइज करेगा, अब रिलाइज करेगा, और सारी लायबिलिटी अब पे करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? सारी असेट सेल करेगा एक्चुअल में। बताओ अब जो मैं स्टेटमेंट बनाने वाला हूं, अब जो स्टेप नंबर 3 में या पार्ट 3 में जो मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया था, अब मैं क्या बनाने वाला हूं? लिक्विडेटर, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। मुझे बताओ बच्चों ये बेटा बताता हूं, रुको मैं अभी बेटा मेहुल इसी पर बात करूंगा, अभी चिंता मत करो, आपको सारी बातें समझ में आएगी। मुझे ये बताओ कि ये जो मेहुल, अब जवाब देना बेटा सोचकर, ये जो स्टेटमेंट ऑफ सॉरी अब जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनेगा, इस पर लिक्विडेटर काम करेगा, ये एस्टिमेटेड बेसिस पर बनेगा या एक्चुअल बेसिस पर बनेगा? बोलो, अब तो बेटा एक्चुअल काम होगा, अब तो मुझे सब आइडिया लग गया, अब ये एक्चुअल बेसिस पर बनेगा, ठीक है ना? अब सारी चीजें एक्चुअल होने वाली है। वेरी गुड, मैं क्या करने वाला हूं मेहुल, बेटा सुनना। अब लिक्विडेटर के पास क्या आ गया मेहुल, आपको समझ में आया तो यस करना। लिक्विडेटर के पास क्या आ गया, अब किसको भूल जाओ, डेफिशिएंसी को दिमाग से निकालो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आ गया किसके पास? लिक्विडेटर के पास। बताओ उसको किसकी जानकारी मिल गई? असेट्स की जानकारी मिल गई। किसकी जानकारी मिल गई? लायबिलिटीज की जानकारी मिल गई। कौन सी? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। बोला आ गया समझ में? उसे ये पता चल गया कि साहब ये असेट्स तो गिरवी रखी हुई है, मैंने लिस्ट ए बना दी, ये असेट से इतना इतना पैसा आएगा, लिस्ट बी बना दी, इन असेट से आएगा तो बताओ क्या आएगा? केवल सरप्लस आएगा। बोलो बात समझ में आ गया? फिर मैंने कहा साहब लिस्ट सी इस लायबिलिटी को देना है, फिर इस लायबिलिटी को देना है, ठीक है, लिक्विडेटर के हाथ में आया। अब लिक्विडेटर बताओ किस में आया? एक्शन में आ गया। अब वो क्या करेगा? असेट बेचेगा, ठीक है, और बेच के रिकवरी करेगा और लायबिलिटी को पे करेगा, और बेटा उस असेट को रिलाइज करने से जो पैसा आएगा और उसको सेल करने सेटल करने से जो पैसा जाएगा, उसके लिए वो एक अकाउंट बनाएगा जिसको हम कहते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बेटा इसका नाम अकाउंट है, और ये बनता भी किस फॉर्मेट में है? अकाउंटिंग फॉर्मेट में ही बनता है। क्लियर? बताओ इस तरफ क्या आएगा? क्या आया, कितना पैसा आया? किससे? असेट को रिलाइज करने से कितना पैसा आया, और यहां पर कितना पैसा गया? किसको? लायबिलिटी को सेटल करने से कितना पैसा गया? मेहुल अब बात समझ में आई कि लिक्विडेटर किस पर काम करेगा? बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर, डेफिशिएंसी से उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? ओके बेटा,
सर एक बार वापस, तनीषा बेटा क्या बताऊं वापस, ये बेटा जो जिनका नेट काम नहीं करता प्लीज, वो है ना फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो बेटा, ये आपका बीच में नेट डिस्टर्ब होता है तो वापस बेटा कब तक बताया जाएगा। मैं क्या बताऊं बेटा, अभी एसी बेटा, तनीषा अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो बताया कहाँ है, अभी बताओ क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, रुक जाओ अभी सब आ जाएगा। मैं तो पुरानी बात, मेहुल को यहाँ दिक्कत थी मैंने वो एक्सप्लेन किया है, ये तो मैंने स्टार्ट किया है अकाउंट, बताया कहाँ है, अभी दोबारा कहाँ से बताओ, अभी तो पूरा बताना है। चलो क्लियर हो गई बात यहाँ पर, तो बताओ अब कौन काम करेगा, लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर जो काम करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तनीषा सुनते रहो बेटा, अभी मैंने वो बताया ही नहीं था, आपने पहले बोल दिया, अब सुनते रहो, अकाउंट तो अब बताऊंगा मैं। इस अकाउंट में मैंने आपको एक इनपुट डाल दिया आपके दिमाग में, बताओ क्या होगा इस अकाउंट में, बस पैसा आया और गया, किससे, एसेट से। मुझे बताओ यहां पर देखो, टू यहां पर असेट्स, नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, याद आ रहा है, असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, कौन सी जो गिरवी नहीं रखी हुई, कौन सा, फॉर एग्जाम्पल जो भी होगा स्टॉक होगा जो भी होगा बेटा, यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू, कितने में बिका वो बताना पड़ेगा, कितने में बिका वो बताना पड़ेगा। टू बताओ यहां क्या आएगा, सरप्लस इफ एनी, अरे कौन सी असेट से, लिस्ट बी वाली असेट से, अगर सरप्लस होगा तो, और मैंने आपको बता दिया हमेशा सरप्लस होगा क्या, नहीं, डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है, अगर वो पार्शली सिक्योर्ड है तो बताओ बच्चों यहां क्या आएगा, डेफिशिएंसी, तो यहां क्या आएगा, कुछ नहीं, बोलो आ गया, सरप्लस होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो आगे, तो बेटा अब ध्यान रखना, वो जो पैसा था जो आप वहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बता रहे थे कि एस्टिमेटेड है, यहां पर बताओ क्या है वो, एक्चुअल में कितना आया बेचने से, क्लियर है। अब ये लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट बन रहा है, नाम ही क्या है इसका, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा कंपनी में बेटा, इसके बाद क्या होगा बताओ, आ गया पैसा, अब क्या होगा, पेमेंट बाय, बोलो, प्रेफरेंशियल क्रेडिट। अरे नालायक को सीक्वेंस बदल सकते हैं क्या, पहले पेमेंट किसको होगा, अरे मैंने इसीलिए तो क्या क्या कहा आपको, 90% चीज आपको आती है, मुझे केवल क्या सिखानी है, 10%। अरे वो एस्टिमेटेड बन रहा था ये, वो स्टेटमेंट बन रहा था ये, अकाउंट फॉर्मेट में बन रहा है, इतना सा फर्क है। चलूं आगे बताओ, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पेमेंट करते जाओ, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर पैसा बचता है तो, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओ माय गॉड, ये तो याद हो गया आप लोगों को, अरे याद हुआ या नहीं हुआ। ये लॉ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, यानी आपको क्या बनाना आ गया, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाना आ गया। बेटा इधर आया नहीं आया बेटा, क्या नाम था उस बच्ची का, तनीषा, बेटा अब आ गया ये अकाउंट समझ में, यस ठीक है ना, क्लियर मेहुल, क्लियर, ओके बेटा। तो देखो कितना सिंपल था, मैंने कहा था अगर वहां आपने एकदम क्लियर, वहां आपने स्ट्रेस ले लिया तो यहाँ चीजें देखो कहीं ना कहीं चीजें रिलेट कर रही हैं, अपने आप क्लियर होती जा रही है। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। अब बच्चों और आगे देखो, कंसंट्रेशन बनाए रखना, आगे बढ़ते। मुझे सर ये तो फॉर्मेट ही याद हो गया कि क्या क्या करना है, सर ये तो वहां पर एस्टिमेटेड बन रहा था और यहां पर एक्चुअल बेसिस पर बन रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब सुनो मेरी बात, एक बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा इन रियलिटी। सर चेंज क्या आएगा बेटा, मेरी बात सुनो, मैं कौन हूं, लिक्विडेटर, मैं एफर्ट कर रहा हूं, अरे कंपनी बंद करने में टाइम लगता है, कंपनी मजाक थोड़ी बंद करना, आप समझ रहे हो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो कंपनी गए और बताओ जाके ताला थोड़ी लगाना है, हमें जानकारी चाहिए, हम एफर्ट कर रहे हैं, फिर बेचना है हमें, एक एक बायर ढूंढना है ढंग का,
एक एक लायबिलिटी होल्डर को बुलाकर सेटल करना है, तो बेटा इट्स टेक टाइम। अब मैं 2, 4, 5, 6 महीने एक कंपनी को वाइंड अप लिक्विडेट कराने में लगा हुआ हूँ, तो बताओ मुझे रेमुनरेशन चाहिए या नहीं चाहिए? अरे मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मुझे लिस्ट पकड़ा दी साहब कि ये बेच देना, इनको पेमेंट कर देना, मैं क्या करूँ फिर? तो कोर्ट को ये बात समझ में आई, फिर लिक्विडेटर कहाँ जाएगा? तो बताओ, फिर यहाँ पर लॉ ने एक काम किया, जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से किस पर आए हम? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट पर आए, अकाउंट पर आए, तो उसमें प्रायोरिटी थोड़ी सी बदल दी। उन्होंने कहा साहब बाय लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंसेस बाय लिक्विडेटर, लिक्विडेटर रेमुनरेशन बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कोई लिक्विडेशन का छोटा मोटा खर्चा हो, समझ में आया? लॉ ने बोला साहब लिक्विडेटर जी हम आपको परमिशन देते हैं कि आप जब कंपनी बंद कराने जाओ तो अपना पहले चार्ज काट लेना इनको पेमेंट करने से पहले। भैया अगर इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तो बताओ कोई आदमी क्यों कराएगा लिक्विडेशन 4-6 महीने वहां बैठकर? कंपनी को एकदम तो बंद होती नहीं है, तो मजाक थोड़ी है। तो वो बोल रहा था मेरा तो कहीं नंबर ही नहीं है। तो लॉ ने इस स्टेटमेंट में उनको प्रायोरिटी पर रख दिया, बोलो पहले आपका कोई खर्चा होता है लीगल। बेटा किसी से कोई डिस्प्यूट हो सकता है तो कोई हो सकता है लीगल एक्शन लेना पड़ जाए उसे, तो कोई लीगल एक्सपेंस ले, और कंपनी से को लिक्विडेट करने से रिलेवेंट कोई लीगल एक्शन लेना पड़े उसे, उसके लिए कोई कॉस्ट आती है, अपना मेहनताना आता है, कोई लिक्विडेशन का खर्चा आता है। बोला भैया पहले तुम अपना काट लेना और उसके बाद ये क्या कर देना, ये पेमेंट कर देना। तो वो भी खुश है, हाँ भाई मेरे एफर्ट्स का मुझे मेहनताना मिल रहा है, तो वो बात खत्म हो जाएगी। बच्चों अब एक नई बात जो मैंने ऐड की, बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मेट मैंने आपको याद करा दिया, मैंने फॉर्मेट दिखा दिया और आपको याद हो गया, हाँ सर याद हो गया, ये तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस 3 चीजों का दिमाग रखना है, उनको प्रायोरिटी पर पेमेंट कर देना। मुझे अब बिल्कुल सर याद हो गया, ओके बेटा मुझे एक बात का सोच समझ के जवाब देना, और अगर आप दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे पता है आप लोग ये नहीं चाहते कि मुझे बहुत अच्छा लगे, ठीक है ना? इसे देखकर, इस अकाउंट को देखकर किसी की याद आ रही है क्या आपको? बेटा इस अकाउंट को देखकर किसी की याद आ रही है क्या? सर अकाउंट तो दिखाओ, मुझे नहीं पता, मैंने अपना स्टेटमेंट बोल दिया बस। मैंने कहा ना आप लोग नहीं चाहते मैं खुश हूं, इसे देखकर किसी की याद आ रही है क्या? वेरी गुड, एक बच्चे ने यहां सही जवाब दिया, बाकी नालायक है ये तो, खाना खा के बस आके फाड़ फाड़ के बैठ गए मेरे सामने कि नींद आ रही है और ये सोने और नहीं दे रहा, ये सुन लिया इन बच्चों ने शायद, इसीलिए बोल रहा था तू चुप हो जा। रिसिप्ट एंड पेमेंट, वेरी गुड बेटा दिशा इंद्र, अगर आपने सोच समझ के जवाब दिया है। बेटा अगर ऐसे जवाब ज़्यादा आ जाए ना तो मन खुश हो जाता है, फिर लगता है यार जिन बच्चों से बात की जा रही है, जिस लेवल पर बात की जा रही है, उस लेवल के लायक है। बेटा आपको नहीं लगता ये कैश अकाउंट बन रहा है? अरे कितना पैसा आया, मैंने पहले ही बोल दिया कितना गया, मैं आपको उस लेवल तक डिस्कस करता हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़ जाए। हाँ सर ये तो फील आ गई, कैश अकाउंट ही तो बन रहा है, हम तो बोलने वाले थे मन में ही रह गया, आपने पहले ही बोल दिया। ऐसे ही कुछ हुआ है ना बच्चों आपके साथ? ठीक है ना, वाई एंटर करो, आपके साथ ऐसा हुआ है? पवन ने ईमानदारी से बोला नो, देखो तनीषा नहीं यहां पर भी बोला यस, देवेंश देखो सारे यस, 2-3 बच्चे हैं, एक लता जो ऑनेस्टी से बोल रहे नहीं सर हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन बाकियों को देख लो, ये इनको नालायक बोल दो कुछ भी बोल दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोले ये वैसे भी नालायक बोलता रहता है और बोल लेगा दो चार बार। दीपक देवेंश, मेहुल ने नहीं बोला, मेहुल मेहुल क्या यही ख्याल आया था क्या? नहीं सोचा था सर, वेरी गुड, चलो ये होती है ऑनेस्टी। अब तूने दो बात, नहीं सोचा था, उसने पूरा बोला, कॉमा नहीं लगाया, अगर कॉमा लगाता नहीं सोचा था सर, अब उसने बोला नहीं सोचा था सर तो कॉमा नहीं लगाया उसने, ठीक है ना, पकड़ो मत जाने दो, याद है आपको? टोको मत बढ़ने दो, ठीक है, आप सुनो मेरी बात। तो बेटा
ये हमें फॉर्मेट याद हो गया, इतना डिस्कशन, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग फॉर्मेटों को झंझटों में फंसवा आप लोग, तो इतना जो डिस्कशन होता है उससे याद हो जाती हैं चीज़ें। चलो सर आगे बढ़ो। अब सर ये फॉर्मेट, अब मैं लिखवा नहीं रहा, आपको फॉर्मेट याद हो गया और अभी लिखेंगे हम, वैसे भी फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी है, वो स्टेटमेंट है, ये अकाउंट है, वो एस्टिमेटेड है और ये एक्चुअल बेसिस पर बन रहा है, एक्चुअल डेटा होगा। इसमें बस आपको ये दो तीन चीज़ें प्रायोरिटी पर रखनी है, फॉर्मेट से छेड़छाड़ करनी नहीं है। हाँ सर समझ में आ गया। अब बेटा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना आपको सारी चीज़ें आती हैं, अब कुछ नहीं लिखना ही तो है, इसमें कितने में क्या बिका। तो अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये एग्जाम के बेटा आपकी इस बुक में जो भी क्वेश्चन प्रिंटेड है वो सारे कौन से हैं बोलो, एग्जाम में आए हुए, ठीक है। इन्हीं में ये लोग डेटा वेटा बदल के रीप्रिंट करते रहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ा देते हैं और कुछ भी नहीं करते। एग्जाम्पल नंबर 7, सारे बच्चे ओपन करेंगे मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 7। यार आज ये हो नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। पेज नंबर 7.23, 7.23। हाँ बेटा जितने भी ऑनलाइन बैठे हो बेटा ढंग से समझना, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, बट इसकी लैंग्वेज ऊटपटांग है जिसकी वजह से आप लोग हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। बेटा होगा कंपाइलर में, बिल्कुल होगा बेटा। दीपक ये कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, दीपक क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ना ना करना नहीं है आप लोगों को, करवाऊंगा मैं डिस्कस, अगर पूरा अधूरा रह जाए बेटा तो भी ट्राई मत करना, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है ना, लास्ट में बोल दूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 7, और बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको इंटरप्रेट करते हैं, अगर इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में होगी तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31st December 2010 दैट द कंपनी वाउंड अप वॉलंटरी द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज ऑन द सेम डेट। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर 10 ईच 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, प्लांट लेस डेप्रिशिएशन। मुझे बताओ डेप्रिशिएशन से कोई लेना देना है क्या, बोलो कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना बंद हो गई। और अब मैं इस क्वेश्चन में क्या बनाने जा रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ सॉरी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, भाई हम सबकी बात कर चुके तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन उसी का है। तो बेटा जब मैं वो बनाने जा रहा हूं तो ध्यान रखना मुझे केवल और केवल किससे मतलब है, असेट्स और लाइबिलिटी से। अगर इसने सैलरी पेड, ये पेड, वो पेड, बाकी डेप्रिसिएशन चार्ज, ये बातें लिख रखी हैं तो बताओ वो मेरे काम की नहीं है, आ गया। वो केवल आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए फालतू की इंफॉर्मेशन डाली जाएंगी। तो ये बोला डेप्रिसिएशन, दिमाग में ही मत लाना इसे, हमें तो असेट और लाइबिलिटी चाहिए बस। स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बताओ क्या होगा इसका, जल्दी बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या होगा, नथिंग। बात समझ में आ गया, अरे ये फालतू की चीजें डाली हुई है इसने, तो आप जबरदस्ती पकड़ मत लेना इन चीजों को, केवल असेट्स लायबिलिटी और उनकी एक्चुअल में वो कितने में बिकी। अब मुझे उनकी क्या नहीं चाहिए, अब उनकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू भी नहीं चाहिए, और मुझे केवल और केवल चाहिए वो कितने में एक्चुअल में सेल हुई, ठीक है सर। ये बोल रहा पी एंड एल डेबिट बैलेंस इतना था, ट्रेडिंग लॉसेज इतना था, प्रेफरेंस डिविडेंड इतना दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मोर्गेज इंटरेस्ट 25,000, 4% मोर्गेज लोन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज इतना। ऑन 1st January 2011, ध्यान रखना ये फ्लोटिंग चार्ज, ये क्या नहीं है, डिबेंचर नहीं है, दिमाग में रखना, क्लियर है ना, डिबेंचर नहीं है ये, कोई मोर्गेज लोन है, और मोर्गेज लोन भी फ्लोटिंग चार्ज कंपनी ने जनरेट कर दिया होगा। ऑन 1st January 2011 द लिक्विडेटर सोल्ड एम लिमिटेड प्लांट्स फॉर ₹2,05,000 एंड स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट ₹2,00,000। ये कंपनी किस दिन लिक्विडेशन में गई, 31st December 2010, और वीकेंड से 1st January 2011, एक ही बात है। चलूं आगे बेटा, इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है जो बच्चा इग्नोर कर जाता है, आप ध्यान रखना जो डेट ऑफ लिक्विडेशन है इंफॉर्मेशन भी वही होनी चाहिए।
अगर आगे पीछे हुई तो फिर कुछ और भी जनरेट हो सकता है। तो ये कंपनी 31 दिसंबर 2010 को बंद हुई या वीकेंड से 1 जनवरी 2011 को बंद हुई। आगे चलते हैं। तो 1 जनवरी 2011 को लिक्विडेटर ने क्या किया, सोल्ड एम लिमिटेड प्लांट, इसका प्लांट जो ऊपर बता रखा होगा इसने, 2,05,000 में, और स्टॉक इसे 2 लाख में बेच दिया। बढ़िया बात है। नेक्स्ट, द सेल वॉज कंप्लीटेड इन जनवरी 2011, सेल भी पूरी हो गई वहीं पर ही, एंड द कंसिडरेशन सेटिस्फाइड एज ₹2,62,200 इन कैश एंड बैलेंस इन 6% डिबेंचर ऑफ द परचेजिंग कंपनी इशूड टू द लिक्विडेटर एट प्रीमियम ऑफ ₹2। मैंने बताओ कितने का बेचा उसे, मैंने लिक्विडेटर ने एक कंपनी को बताओ कितने का बेचा, 4 लाख भाई, 5,000 का प्रोडक्ट बेच दिया, 2 लाख का तो कुछ बेचा, 2,05,000 का कुछ बेचा, समझ में आ गया। तो बताओ जब मैंने बेचा तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, कैश मिलना चाहिए था क्या? बताओ कोई भी प्रोडक्ट क्या कैश में ही बेचा जाता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन या अदर देन मॉनेटरी भी हो सकता है? अरे भाई अदर देन मॉनेटरी हो सकता है। तो यानी जब मैंने बेचा तो रिटर्न में मुझे कैश मिला प्लस बोलो डिबेंचर मिला और ले लिया लिक्विडेटर ने। अब बेटा क्वेश्चन ने अगर बोल दिया उसने कैश कंसिडरेशन और कुछ डिबेंचर लिए तो बताओ फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। कोई जरूरी थोड़ी कैश ही आए, क्वेश्चन बोल रहा है नहीं साहब ये भी लिया है तो देख लेंगे। नेक्स्ट, ये बोल रहा है आगे, द रिमेनिंग स्टेप्स इन लिक्विडेशन एज फॉलोज, बची हुई बातें आगे इस तरह से हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, नंबर 1, द लिक्विडेटर रिलाइज 52,000 आउट ऑफ बुक डेट्स, मींस डेटर से उसने 52,000 रिलाइज किए, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन 2,000। बताओ मैं रिलाइजेबल वैल्यू कितनी मानूं, 50,000। अरे मुझे जब मैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं तो बता चुका ना वो किसका रिफ्लेक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, तो उसमें तो असेट और लायबिलिटी बतानी है और 3 आइटम एक्स्ट्रा बताने हैं, तो मुझे इसको तो दिखाना नहीं, मैं तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू दिखाऊंगा 50,000। अरे नालायको यहां तक समझ में आ गया, वाई एंटर कर दो, पता चला मैं आगे चला गया, आप पूछ रहे हो पॉइंट नंबर 3 समझाओ, यहां तक क्लियर है ना? यस। और बेटा ये सारे पॉइंट हम दोबारा रीड करने वाले हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम में कुछ ऊपर नीचे रह जाएगा तो सेकंड टाइम में क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहो आप लोग। सेकंड पॉइंट, द लोन मोर्गेज डिस्चार्ज ऑन 31 जनवरी 2011 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 31 जुलाई 2010। इसका मतलब बेटा जो लोन है, जो मोर्गेज लोन जो ऊपर दिखाया हुआ है, ये रहा आपका 4% मोर्गेज लोन अमाउंट ₹2 लाख, इस पर इन लोगों ने इंटरेस्ट कब तक का दिया है? अरे कब तक का दे चुका है ये 31 जुलाई तक का तो दे चुके होंगे, अरे 31 जुलाई तक का तो ये लोग दे चुके होंगे, बात समझ में आ रही? उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी 2011 को पे नहीं किया, कब पे किया? 31 जनवरी 2011। मैंने कहा था ना कोई लिक्विडेशन कोई एक दिन का काम थोड़ी है कि आया और बंद करके चला गया, बताओ लिक्विडेशन में क्या लगता है, समय लगता है भाई। क्वेश्चन बोल दे आज लिक्विडेशन हुआ आज बना दो अकाउंट, तो ठीक है हम क्या करें, मजबूरी है हमें बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर जेन्युइन बात कर रहा है तो फिर जेन्युइनली चलना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है साहब यहां पर पे हुआ, तो बताओ मुझे कहां से कहां तक का इंटरेस्ट, भाई 31 जुलाई तक का तो इंटरेस्ट दे दिया, यहां तक का इंटरेस्ट मैं उस 2 लाख के साथ इस इंटरेस्ट को अटैच कर दूंगा और पे कर दूंगा। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया, सिंपल सा है, पेमेंट पेमेंट करने और कुछ करना ही नहीं है। अगली बात बोलो, जून 2011 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज रिसीव फ्रॉम एम लिमिटेड। बेटा ये एम लिमिटेड नहीं है, करेक्शन कर लो ये काट कर सारे बच्चे, क्योंकि एम लिमिटेड तो कौन सी कंपनी है, अरे एम लिमिटेड तो हमारी कंपनी है, आ गई बात समझ में? तो ये या तो ये एन लिमिटेड लिखना चाह रहा होगा, ठीक है, या फिर एन लिमिटेड लिख दो या फिर क्या कर दो बोलो, परचेजिंग कंपनी एन कर दो, ऐसा करो, हाँ एन लिमिटेड कर दो बच्चों, इसे एन लिमिटेड, एन लिमिटेड कर दो सारे बेटा इसे। सर ये एन लिमिटेड कहां से बोल रहे हो इंद्र? हाँ बेटा ये तो अपनी कंपनी है जिसे बंद कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, अपना काम ही है ये कंपनियां बंद कराना, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो, यहां हमने एम लिमिटेड एन लिमिटेड कर दिया। बेटा ये एन लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ये रही, वो ये कंपनी है, या तो आप परचेसिंग कंपनी बोल दो या एन लिमिटेड, जिसके डिबेंचर हमने बताओ क्या लिए थे, द कंप्लीट द कंसिडरेशन सेटिस्फाइड इतना एंड द बैलेंस 6% डिबेंचर ऑफ द परचेजिंग कंपनी। क्लियर हो गया? जिसको हमने हमारा प्लांट और स्टॉक बेचा था और उससे हमने कैश और डिबेंचर लिए थे। अब इसका नाम मैंने एन लिमिटेड रख दिया क्योंकि उसने वहां पर एम बोला है, तो कहीं ना कहीं एन लिखने की इंटेंशन रही होगी उसकी। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, उसने 6 महीने का इंटरेस्ट दिया, बताओ इसका मतलब कंपनी हम कब तक बंद नहीं कर पाए? भाई 30 जून तक कंपनी बंद नहीं हुई होगी, और 30 जून को जब हम लिक्विडेशन कर रहे हैं तो हमने उसे इंटरेस्ट मांगा हुआ 6 महीने का, उसने दे दिया। फोर्थ पॉइंट, द लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,000 एंड लिक्विडेटर रेमुनरेशन 3% ऑन द डिसबर्समेंट टू द मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस और इक्विटी बोथ, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। पेड ऑन June 2011, ठीक है। ये बोल रहा है यहां पर कंपनी ने लिक्विडेटर को भी उसका रेमुनरेशन दे दिया, यानी कंपनी बंद हो गई यहां पर। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड इन, इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश में दिया गया। द डिबेंचर ऑफ द एम लिमिटेड, ये एम की जगह क्या कर लो सारे बच्चे, एन लिमिटेड, करेक्शन कर लो बच्चों, फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द डिबेंचर ऑन एन लिमिटेड एंड द बैलेंस कैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर। भाई जो डिबेंचर बच गए थे वो और बचा हुआ कैश किसके बीच में बांट दिया? इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया। प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। बेटा मैंने एक बार आपको क्वेश्चन में मोटी मोटी बातें बता दी, अब ज्यादा डेप्थ में मत जाना। अब हम बताओ क्या करेंगे, एक एक चीज को दोबारा एनालाइज करेंगे और उसे फिर हम लोग अकाउंटिंग में कन्वर्ट करेंगे। चले बच्चों आगे, बेटा चले आगे, जल्दी से बोलो वाई, मैं अब आगे चलता हूँ। क्वेश्चन में कोई बात समझ में नहीं आई तो अब वो आ जाएगी, मैं एक एक पर दोबारा स्ट्रेस देने वाला हूँ। वेरी गुड, चलो सर आगे चलो। बेटा बनाओ मेरे साथ, सारे बच्चे स्टार्ट राइटिंग विद मी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सारे बच्चे साथ में रहेंगे और आगे भी जल्दी से बना लो बेटा शॉर्ट में। अब शॉर्ट में लिख दो यहां पर, मुझे एक चीज बताओ ये क्या बन रहा है? सारे बच्चे बोलो सर ये तो कैश अकाउंट बन रहा है सर, पैसा आएगा जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लियर है बेटा इसका बेस क्या है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वही रिपोर्टिंग होगी सारी की सारी। तो सर पहले कौन सी एसेट्स लिखें जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, बोलो आ गया समझ में? क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है? बेटा अब दोबारा पढ़ने लग गए, कमाल कर रहे हो, 10 मिनट सवाल पढ़ा है, हद होती है किसी चीज की, दोबारा पढ़ने लग गए सर, मैं कुछ और पूछूंगा फिर पढ़ने लग जाना, फिर सवाल ही पढ़ते रहो बस। यस पवन को दिखी एक एसेट, बेटा पवन बताना कौन सी एसेट है? मोर्गेज लोन, बेटा मोर्गेज लोन पे असेट्स कौन सी गिरवी रखी है, असेट का नाम बताओ, वो तो मेरे को भी पता है मोर्गेज लोन है। बेटा पवन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप रेगुलर सही जवाब देते हो। बेटा वो मोर्गेज पता है वो कौन सा लोन है? फ्लोटिंग चार्ज। और मैं आपको बेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, स्पेसिफिक चार्ज होता है लिस्ट बी में। अरे डिबेंचर भी तो फ्लोटिंग चार्ज थे, वो तो कभी आए नहीं लिस्ट बी में। पवन क्लियर हो गया? बेटा फ्लोटिंग चार्ज कोई चार्ज नहीं होता, स्पेसिफिक चार्ज को बोलते हैं हम चार्ज। क्लियर? बेटा फ्लोटिंग चार्ज में तो पता है क्या होता है, आपको पेमेंट में प्रायोरिटी मिल जाती है। फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर होल्डर को होता है तो उन्हें पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है, दैट्स ऑल। क्लियर? सारे हनुमान जी हो यहां पर, सब में शक्ति आए, बस बार बार क्या करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है हाँ कि तुम में शक्ति है। एक तो लास्ट में मैं बात करूंगा, मैं क्लास 5 मिनट पहले छोड़ूंगा फिर कुछ बात करूंगा, याद दिलाना मुझे ना।
नेक्स्ट, अब आ जाओ। हाँ, अब तू मेरे को बना दे कुछ। नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ। सबसे पहला, एक भी एसेट्स क्या नहीं है, लिस्ट बी की नहीं है, यानी कोई भी सरप्लस की बात होगी ही नहीं। तो बेटा टू, सबसे पहले हमसे भी बात कर लिया करो बेटा। अब आप वो क्या है ना, समझो आप, मैं क्या है, कैमरा ऑफ होने के बाद क्या अपने के खुल के बोल सकता हूँ, मुझे यहाँ बहुत संभल के सोच के बोलना पड़ता है। तो कैमरा ऑफ हो जाएगा लास्ट के 10 मिनट में, तो क्या मैं इनसे खुल के बात करूँगा, कुछ जो भी मेरे मन में आएगा वो बोल दूँगा इन्हें, इसलिए मैंने कहा लास्ट में बात करूँगा। नेक्स्ट टू, चलो जल्दी से आगे। मैं कौन सी एसेट लिखूंगा, अब मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली नाम लिखता जाऊंगा, अब फालतू में बड़ा करने से मतलब नहीं है। असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जल्दी से बताओ बेटा कौन सी है। ये वो बोल रहा था, ये प्लांट और स्टॉक, उससे क्या, नहीं नहीं उससे पहले भी है बेटा, इधर आ जाओ, पहले मैं टिक लगा देता हूं। ये रहा प्लांट, ये रहा स्टॉक, ये रहा बैंक, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, और तो कुछ है नहीं बेटा। ये 1 2 3 4 चार असेट है जिस पर आपको नजर रखनी है, बोलो आ गया समझ में, चार असेट पर नजर रखनी है हमें। तो सबसे पहले बताओ क्या लिख दूं मैं, अरे ये तो बेचना नहीं है ना, इसको तो 74,000 को एज इट इज लिख दो चल के, मुझे लगता है सबको बात क्लियर हो गई। कोई असेट में सीक्वेंस थोड़ी था कि असेट पहले ये लिखोगे वो लिखोगे, असेट तो कोई सी भी लिख दो। तो चलो वहां पर टू, बैंक बैलेंस 74,000, सर क्या वो लिखने की जरूरत नहीं, क्या टू असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि अगर आपकी असेट कौन सी है स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, तो बताओ उस केस में आप क्या लिखोगे, टू सरप्लस ओनली, टू सरप्लस लिखोगे। अगर आप असेट का डायरेक्टली नाम लिख रहे हो तो इसका मतलब वो कौन सी असेट है, नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, तो वो अंडरस्टूड होता है, तो दैट्स वाई आपको उसकी रिपोर्टिंग करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टू, अगला पॉइंट करते हैं हम लोग बेटा, ये हो गया अगला। हमने किससे रिलाइज किया, पहले पॉइंट में बोल रहा है 1 जनवरी को आपने स्टॉक एंड प्लांट को बेच दिया, तो बेटा लिख दो यहां पर टू रिलाइजेशन फ्रॉम, रिलाइजेशन फ्रॉम, बेटा मेरे साथ ही लिखते रहो क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, रिलाइजेशन फ्रॉम प्लांट एंड क्या था स्टॉक, बेटा कितना रिलाइज हुआ, ना 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 ना, अब मैं सीधा नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें कैश नहीं आया था, झंझट था इसमें, तो इस झंझट को ब्रेक करके रखो, समझ में आ गया। तो यहां पर मैं बताऊंगा, यहां पर कैश कितना आया था, 2,62,200, बोलो बात समझ में आ गया, और टोटल कितना आया था, तो मुझे बताओ यहां पर बचे हुए के उसने कहा हमने क्या ले लिया, 6% डिबेंचर, तो बेटा 6% डिबेंचर बताना कितने के आ गए, 1, इसका डिफरेंस निकाल दो बच्चों, 1,42,800, और ये बच्चों 4,05,000 रुपए हो गया। गई क्या बात दिमाग में बेटा, कैश होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन अब आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि कैश भी आया और डिबेंचर भी आया। चलो आगे बेटा, इसने देखो लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, आप यहां फोकस मत करो, ये रहा यहां क्या गिवन है, ए 1 जनवरी को आपने बेचा, सोल्ड प्लांट 2,05,000 का, और स्टॉक तो कितने का बेचा, कितने का बेचा, 4,05,000, अब मेरे पास 4,05,000, बेटा अगर 4,05,000 रुपए आते तो मैं क्या लिख देता सीधा, टू रियलाइजेशन फ्रॉम स्टॉक एंड प्लांट 4,05,000, लेकिन बताओ मेरे पास ये दो चीजों में आया, एक कैश कितना वो मेंशन है 2,00,000, ये मेरे पास 4,05,000, दो तरीके से आया, एक 2,62,200, और बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, ये कितना आ गया, ये 1,42,800, एक बात समझ में आ गया, इतना तो ये आपको कैश मिला बच्चों, और इतना 6% डिबेंचर्स, ये मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, अब आगे सुनो।
बेटा ये जो डिबेंचर है इस डिबेंचर पर फ्यूचर में क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फ्यूचर में इंटरेस्ट के चांसेस है। बताओ इंटरेस्ट किस प्राइस पर मिलता है, परचेजिंग प्राइस पर या फेस वैल्यू पर? आपको पता है ना इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलेगा, आपने चाहे उसे महंगा खरीदा हो या फिर सस्ता खरीदा हो, आपने डिस्काउंट पर खरीदा हो या प्रीमियम पर खरीदा हो, मतलब नहीं है, मुझे फेस वैल्यू पर मिलता है। तो बच्चों मुझे एक चीज और लगे हाथ कर लेनी चाहिए, बताओ क्या? इसकी फेस वैल्यू पता लगा लेनी चाहिए। बेटा इसकी फेस वैल्यू, ये बताओ ये क्वेश्चन बोल रहा है कितने पर दिया? 2% प्रीमियम पर दिया। तो बेटा ये वैल्यू कितने परसेंट पर है? 102%। यानी महंगा दिया मुझे, मुझे 100 रुपए की चीज 102 रुपए में दी गई। तो बेटा इसकी फेस वैल्यू बता सकते हो कितनी है? 1,40,000। बोलो आया कुछ समझ में? ये मैं आगे के लिए काम कर रहा हूं, एट प्रेजेंट कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे फंसू ना इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो बच्चों मैं वहां जाकर लिख देता हूं ब्रैकेट में, ओनली फॉर कन्वीनियंस फेस वैल्यू इक्वल टू 1,40,000। बेटा मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं जिससे मुझे आगे दिक्कत ना आए, अदरवाइज इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। आप बोलो साहब ये तो काम की बात नहीं, तो आगे जाके सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। मैंने कहा साहब यही सोच लो। क्लियर हो गई बच्चों यहां पर? यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को? बेटा आप बोलो ये बात समझ में आ गई? देवेंश अंकित ने तो बोल भी दिया, वेरी गुड। बेटा बच्चों मैंने आपको बता दिया एट प्रेजेंट कोई काम की बात नहीं, लेकिन आगे इंटरेस्ट का झंझट आएगा तो मैंने उसे भी इग्नोर यहीं कर दिया, वेरी गुड। सारे बच्चे बोले सर क्लियर है, चलो आगे। क्लियर हो गया एक पॉइंट? मैंने आपको कितनी असेट बताई थी? 4 असेट। बेटा मोर्गेज ओ स्पेसिफिकली प्लेस्ड एक भी नहीं है, तो सरप्लस की बात मैं करने वाला हूं नहीं। 4 में से कितने की बात हो गई? 3 की बात हो गई, ठीक है ना। कैश की बात हो गई, स्टॉक की बात हो गई, प्लांट की। बेटा कुछ बच रहा है क्या अभी भी? यस सर, वो डेटर्स बच रहे हैं, ठीक है ना, डेटर्स बच रहे हैं। चलो आगे, अब आगे चलो। ये बोल रहा है द रिमेनिंग स्टेप्स एज फॉलोज। इस पॉइंट में ये बोल रहा है द लिक्विडेटर रियलाइज 52 फ्रॉम बुक डेब्ट्स आफ्टर 2000 एक्सपेंडिचर। चलो बच्चों आगे चलते हैं, लिखो मेरे साथ। टू रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, टू रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। बेटा यहां पर लिख दो ब्रैकेट में लेस, या पूरा लिख दो ना ढंग से आप लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए ढंग से बात, पूरा लिख दो। रियलाइज्ड 52,000 माइनस कलेक्शन कॉस्ट 2000, तो ये बेटा 50,000, 50,000। सर नेट हम डायरेक्टली लिख दें तो बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी मेमोरी में बनाए रखने के लिए लिख रहा हूं। तो मेरी चारों असेट्स यहां पर रिप्रेजेंट हो गई। चलो सर अब यहां तक तो क्लियर हो गया। बेटा जल्दी से वाई एंटर करो फिर मैं आगे चलो। ये मैंने कलेक्शन की बात सारी कर डाली आपके साथ, यहां भाई सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ। हाँ अब बताओ क्या करूं मैं, पेमेंट करूं अब? लेकिन पेमेंट सबसे पहले किसका होगा? लीगल एक्सपेंस। बेटा क्या क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंसेस हैं क्या? नहीं है सर लीगल एक्सपेंस तो कहीं। बेटा पढ़ लिया था, अब दोबारा पढ़ लेना, अब मैं बार बार क्वेश्चन रीड नहीं कराता रहूंगा। क्या लिक्विडेटर रेमुनरेशन है क्या? हाँ सर, पॉइंट नंबर 4 में था। क्या लिक्विडेशन कॉस्ट है क्या? हाँ सर, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी है 3,000 रुपए की। तो बेटा एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो आप, कानून का फॉर्मेट बना हुआ है, लॉ का फॉर्मेट है, तो हम सीक्वेंस चेंज नहीं करना चाह रहे। तो बच्चों मेरे साथ लिखो यहाँ पर, क्या एकेडमिक लेवल पर बेटा जो डेटा नहीं है उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप अवॉइड कर सकते हो, सीक्वेंस डिस्टर्ब मत करना। तो क्या मैं लीगल एक्सपेंस लिखूं यहाँ? कोई जरूरत नहीं है, तो लिखो यहाँ पर बाय लीगल एक्सपेंस। बेटा आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आप, ठीक है ना। और मैं हटा ही देता हूँ फिर फालतू में, आप लोग भी कंफ्यूज हो। ये लो हटा दिया, और लिख दिया हो तो डैश लगा के छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन,
रेमुनरेशन। बेटा कितना है लिक्विडेटर रेमुनरेशन? वो बोल रहा है सर लिक्विडेटर रेमुनरेशन है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। सवाल कोई नहीं पड़ता, तालिबान मुंबई में आ गया और ये चालू हो गए सारे के सारे। अभी सवाल पढ़ने की बोलता हूँ ना तो वो हाँ बस सुनते हैं, बस पढ़ने से तो मतलब ही नहीं है। और वो जरा सा तालिबान आया और चालू हो गए बस। आप लोगों के काम की बात एक्चुअली ये है, ये तो घर वाले भेज देते हैं, अब क्या करें मजबूरी में। ठीक है, क्या आप खुद भी सीए बनना चाहते हो? सब बोलेंगे हाँ, सब बोलेंगे। क्या मेहनत करना चाहते हो? जबरदस्ती है ना लाइक ये सर देखो कौन देखो हाँ ये हाँ लिखा है या हा हा लिखा है तूने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन, बेटा जल्दी से बताना लिक्विडेटर रेमुनरेशन कितना है? 3% ऑन, ये कहाँ गया, ये रहा, डिसबर्समेंट टू द मेंबर। जल्दी से बताओ लिक्विडेटर रेमुनरेशन कितना है, फटाफट बताओ बच्चों कितना है? बेटा लिक्विडेटर रेमुनरेशन बताना जल्दी से। मेहुल, लता, देवेंश, करिश्मा, सिंधु, बेटा लिक्विडेटर रेमुनरेशन बताओ फटाफट। अरे नहीं पता तो सीधा बोलो ना, कल भी बोला था नहीं पता, नहीं पता छोड़ो इसे, वो ढूंढ रहे हैं बस। वो दो चार तो अमेजन पर लेंस वेंस भी अप्लाई कर दिया, बोले लेंस मंगाना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन में छुपा हुआ है ये, पता नहीं ऑर्डर देने बैठ जाते हैं अमेजन पर बस। जल्दी से यहाँ पर बताओ, नहीं पता ना बेटा छोड़ दो, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है, वर्किंग नोट बना देंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देंगे, अभी कोई सा जो बनाएंगे दूसरा तीसरा चौथा देख लेंगे। सर वर्किंग नोट, हाँ बेटा, बेटा सीधा बोला करो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो बढ़िया, नहीं मेंशन तो बोलो सर अब नहीं पता, वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस तो नहीं बदल रहे ना हम लोग, जगह तो छोड़ दी। बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 3000। सर अभी वर्किंग नोट बनाए? बेटा अभी मैं नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेंबर्स को कितना दिया जाएगा, बात समझ में आ रही है? मुझे ये नहीं पता मेंबर्स को कितना दिया जाएगा, तो मैं अभी नहीं बना सकता। अच्छा मेरी एक बात का और जवाब दो आप, बेटा ये जो अकाउंट बन रहा है, मैंने आपको कहा ये कैश अकाउंट है, ध्यान रखना इस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे पेमेंट करना है यहां पर लिक्विडेटर का। मैंने 10 रुपए का पेमेंट कर दिया, मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का 20 रुपए का पेमेंट कर दिया और डिबेंचर होल्डर बेटा 100 रुपए के हैं, तो बताओ यहां कितने रुपए का पेमेंट होगा? डिबेंचर होल्डर मेरे 100 रुपए हैं भाई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद 70 रुपी। अरे बात समझ में आ गई? क्या यहां चीजें नेगेटिव होंगी क्या? अरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पेमेंट ना होने पर आप लोग सरप्लस की जगह क्या लिख रहे थे? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे? क्या यहां चीजें नेगेटिव होंगी क्या? बेटा नहीं होंगी, ध्यान रखना। ये कैश अकाउंट बन रहा है, जितना अवेलेबल है उतना पे कर दो। सर इसके बाद उन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर प्रेफरेंस उनका क्या होगा? बेटा डूब गया उनका 100%, समझ में आ रहा है? अरे आपको हमेशा एक चीज बोली जाती है उनका पेमेंट नहीं होगा, आपको एक चीज बोली जाती है इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। भैया इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, जेन्युइनली आपका पेमेंट कराया जाएगा और पेमेंट नहीं हो पाया तो रिस्क उठाना पड़ेगा, फिर बाद में किसी का गला मत पकड़ लेना, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो ना कि कंपनी सही है या नहीं। बच्चों ये बात समझ में आ गई ना? इसमें डेफिशिएंसी नहीं होगा, ये एक्चुअल बेसिस पर बन रहा है, जितना पेमेंट आया उतना कर दो, बात खत्म बस। बेटा क्लियर है ना? ये दिमाग में रखना। तो हमें ये नहीं कि जैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, अगर नेगेटिव हो रहा था तो डेफिशिएंसी बोल रहे थे। यहां एंड तक नहीं जाना, यहां अगर बीच में पैसा खत्म हो गया तो बात खत्म हो जाएगी हमारी वहीं पर ही। हम एंड तक जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि साहब इक्विटी शेयर होल्डर एंड तक जो बताया था फॉर्मेट, उसमें तभी जाओगे आप जब आपके पास सफिशिएंट मनी होगा, और बीच में खत्म हो गया तो बात खत्म। चलो ठीक है सर, ऐसा ध्यान रखेंगे।
अब आगे चलते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस 3000। चलो बच्चों, इससे आगे की बात हम लोग कल करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा चीज़ों में चेंज आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ बेटा, इसे घर पर ट्राई मत करना, क्योंकि आप लोग इंटरप्रेट प्रॉपरली नहीं करोगे, देख देख के क्वेश्चन कर लोगे। हरे कृष्णा बच्चों, मिलते हैं कल। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा बेटा सिंधु। बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा मेहुल, हरे कृष्णा देवेंश, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा पवन, हरे कृष्णा दर्शी, हरे कृष्णा राधे राधे लता, हरे कृष्णा पवन। ये मीटिंग एंड कहाँ से होगी? दीपक हरे कृष्णा नहीं क्रॉस।